हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मैजिकल कैलकुलेशन। मैजिकल कैलकुलेशन द सेंस कि अभी आपने देखा होगा जब से TCS में या बाकी भी एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं, कि क्वेश्चंस तो सिंपल होते हैं लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी टफ होती है कि बच्चों से एग्जाम टाइमिंग में सॉल्व करना में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेकर आए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अगर वो नंबर्स आए तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हम बिना पेन उठाए सेकंड्स में कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक बच्चे के पास शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि पहले हम देखते हैं 5 का। अब किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रूल है, ये सब पहले आपको मैं सिंपल नंबर्स दे देता हूँ। जैसे 4 × 5 किया आपने तो कितना आएगा, 20, ये आपको पता ही होगा। या फिर 16 × 5 किया कितना आया, 80 आया, ठीक है। 28 × 5 किया 140 आया, काफ़ी लोगों को याद होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें, 628 × 5। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कर तो लेंगे आप लेकिन 8 × 5 = 40 कैरी, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब नहीं करना है, हम करेंगे क्या वो देखिए। हम क्या करेंगे इसमें कि आप एक काम करिए, जो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक है, जिस भी नंबर को, उसको आप क्या करिए, आधा करिए। कितना आया, 2। उसके आगे क्या करिए, एक जीरो चिपका दीजिए। कितना आया, 20। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। जैसे 16 है, 16 का आधा किया कितना आया, 8। एक जीरो चिपका दिया, आया कि नहीं आया। 28 का आधा कितना होता है, 14। एक जीरो चिपकाया, 140। वैसे ही इसका आधा करिए, 6 का आधा 3, 1 का आधा 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, एक जीरो चुपका दीजिए, 3140 आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को आप आधा करिए, एक जीरो चुपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 25 से आते हैं कि 25 से मल्टीप्लीकेशन में क्या करना पड़ता है। कि जैसे सपोज करिए, छोटा सा नंबर लेता हूँ, 8 × 25 कितना होता है, 200। 16 × 25, ये भी कई सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा बता दे रहा हूँ, 400, ठीक है। लेकिन अब इसका हम ट्रिक देखेंगे, क्योंकि ये तो चलो हमें पता है 8, ये भी चलो वैसे कर लोगे आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेरेबल है। लेकिन अगर नंबर बड़ा आ गया, जैसे 8 × 2 आ गया × 25, अब इसको करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो 8 है, इसको आप 4 से डिवाइड करिए, कितना आया, 2 आया, 2 जीरो चिपका दो। 4 से डिवाइड करने के बाद 2 जीरो चिपका दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 16 है, 4 से डिवाइड किया, 4 आया, 2 जीरो चिपका दिया, कितना है, 400। 8 × 8 है, इसको 4 से डिवाइड किया, कितना है, 207, 2 जीरो चिपका दिया, 20,700, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो चिपका देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब 15 के दो तरीके हैं, दोनों बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करिए कोई नंबर है, 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 16 × 15, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, नहीं पता है, 240 होता है, ठीक है। चलिए 28 × 15 कितना होता है, 420। अब मैं कैसे कर ले रहा, कोई भी नंबर दे दो मुझे, 48 × 15 720, ऐसा नहीं कि मैंने रटा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर दे दो आप, मतलब सोच लो 78 × 15 कितना हो गया, कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, 120 × 15 कितना हो गया, 120 × 15 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1800, ठीक है। और भी नंबर, और भी बड़े नंबर कर देता हूँ मैं, अब आप क्या करो, 180 × 15 कर दो, कितना आ जाएगा, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, और भी बड़ा नंबर, जितना भी बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, 960 × 15 कितना आ जाएगा, देख रहे हो ये क्यों हो जा रहे हैं, इतने सेकंड्स में कैसे हो जा रहे हैं, वो मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। मैं क्या करो, आप जब 15 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो यहां देखो 16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से, 16 का आपने आधा किया कितना आया, 8 आया, × 3 किया कितना हुआ, 24, एक जीरो चिपका दिया, आधा किया 3 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो चिपका दिया, एक तरीका हो गया, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा भी तरीका है, 16 × 15 करना है
16 ज्यादा किया कितना आया, 8 आया, दोनों को ऐड कर दिया कितना आया 24, 10 चिपका दिया, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। दो तरीके हैं, आधा करो इंटू 3 कर दो, या तो आधा करो और उनमें ऐड कर दो, दोनों जो भी आए उसमें 10 चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 28 आधा किया कितना 14 इंटू 3 42, 10 चिपका दिया, या फिर 28 प्लस 14 42, 10 चिपका दिया। 48 का आधा 24 इंटू 3 720, 78 का आधा 39 इंटू 3 117, 10, 160 का आधा 120 का आधा 60 इंटू 3 180, 10, 180 का आधा 90 इंटू 3 270, 10, 960 का आधा 480 इंटू 3 1440, 10, 14400। समझ में आया, दो तरीके हैं, आधा करो इंटू 3 करो 10 चिपका दो, आधा करो उस नंबर में ऐड करो 10 चिपका दो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तीनों मल्टीप्लिकेशन जो कि बहुत ज्यादा यूज आते हैं, 15 का, 25 का और 5 का। 15 का बता दिया, 25 में आपको 4 से डिवाइड करके 20 चिपकाना है और 5 में 2 से डिवाइड करके 10 चिपकाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों नंबर का आप देख सकते हैं, तो इनका यूज बढ़ाता है TCS, खासकर इन नंबर का यूज बड़ा करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जहां पे एक और ऐसी कोई ट्रिक लेकर आएंगे जो आपके वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हर एक बच्चे के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।